कि सबरीना ने आखिरकार मुईद से वो सवाल कर लिया जिसका मुईद को भी इंतजार था कि कब सबरीना अपने दिल का इजहार करती है उससे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबरीना जो कि अबीरा से बहस करके आई होगी तो वो बहुत घबरा कर बैठी होगी, तो इसी वजह से वो मुईद को कहेगी कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे छोड़ देंगे। तो मुईद कहेगा कि मेरा छोड़ने का तो कोई इरादा नहीं, अलबत्ता अगर तुम्हें सरमत के लिए मुझे छोड़ना है तो तुम छोड़ सकती हो। सबरीना यहाँ पर कहेगी कि मैं सरमत की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मेरी जिंदगी में अब सरमत की कोई जगह नहीं, बस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको अबीरा फिर से अप्रोच करे तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे उसकी वजह से। तो मुईद कहेगा कि जिस तरह से सरमत की तुम्हारी जिंदगी में अब कोई भी अहमियत नहीं, वैसे ही अबीरा की मेरी जिंदगी में अहमियत नहीं। दोस्तों ये बात सामने खड़ी अबीरा सुन रही होगी और दिल ही दिल में सोच रही होगी कि सबरीना ने मुईद को तो अपना बना लिया है पर मैं जल्दी उसे मुईद को छीन लूंगी। यानी कि दोस्तों वो अगले कुछ एपिसोड में आप देखेंगे साजिश करने लगेगी। खैर सबरीना उसे कहेगी कि जिस हालात में ये शादी हुई है हमारी मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं, पर आप मेरे शुरू से ही आइडियल रहे हैं, मैं आपसे शुरू से ही बहुत इंस्पायर थी और ये बात शायद आप भी जानते हैं। तो मुईद कहेगा कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। दरअसल में दोस्तों मुईद यहाँ पर सबरीना के मुंह से सुनना चाहता है कि वो उससे मोहब्बत करती है। फिर जब सबरीना शर्माने लगेगी तो वो उसे कहेगा कि कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई।